सक भाई ने बोला कि समथिंग कुकिंग रिगार्डिंग टू माइक सोल एनी न्यू एडिशन आफ्टर बीजीएमएस ओमेगा पर कुछ शब्द ये मत बोलो कि और इन्वॉल्व नहीं थी वेटिंग फॉर मेजी टू गेट बैक ऑन द कार इंटरनेशनल अनाउंसमेंट एस्पर और गॉब्लिन जैसे गन असॉल्टर्स के जाने के बाद भी सोल ट्रॉफी जीत गई स्किल टीम ओवर इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑलवेज फैंटम मैवरिक थैंक यू दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ऑल थैंक्स टू लेजेंडरी आईजीएल द बैटमैन रॉनी वार आवर अमेजिंग कोच साहब आयोगी छोटू जोकर एंड सोमय एज वेल और एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज गेमिंग मेंशन किया जहां उन्होंने दो बहुत अच्छी बातें बोली कि सिर्फ खेल के ही नहीं मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर्स गेमर्स एंड पर गेम बना के भी एंटायर ग्रुप ऑफ 7 पीपल बहुत ही इंसेन था मतलब बहुत 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 टाइम बाद यू नो नेशनल टेलीविजन पे जीते हैं हम लोग जो जीतते हैं ऐसे वही जीतते हैं मैं तो बोला हैशटैग वन और नथिंग पे अगर हम लोग अपनी हार पे ही बिलीव करते हैं तो लॉस में भी जीतने में भी वही बात करेंगे तो क्या होता है जब हम लोग जीत जाते हैं कोई और लोग नहीं जीतते तो सब फन हो जाता है कोई बात नहीं छोड़ दो हम लोग बहुत सीरियसली थे प्लेयर्स मुझे पता है हर टीम के वहाँ पे 20-25 डेज थे काफ़ी सीरियसली थे ठीक है मुझे पता है कितना डिफिकल्ट होता है रोज 2:30 बजे जाना रिपोर्ट करना ये करना वो करना सो फोर्थ स्टार आ रहा है या नहीं आई एम येट टू हैव अ डिस्कशन विद एवरीवन एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस गोल्डी भाई ने कहा है अगर तो मुझे गोल्डी भाई से अगर कहा है तो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना अबाउट द डिज़ाइन और फिर BGMS इज़ वन ऑफ द ट्रूली द बिगेस्ट IPs विच इज़ अ थर्ड पार्टी मतलब नेशनल टीवी में आ रहे यार अब वन पर्सन आई जी सी डेट यू वॉन्ट टू टेक हिम इन टू एसेट ट्वेलिंग करेंट सीनरी जेन्युइन क्वेश्चन गॉडल आर्यन मे बी गेमर फ्लीट और टेक्नो ठीक है निट्रिगू तो चलो लाइक ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई थिंक फ्लीट और टेक्नो मैंने कास्टिंग का कुछ बोला था अपने ब्रॉडकास्ट में ठीक है वो मेरा जेन्युइन ओपिनियन था फिर आई स्पोक टू ओशन आई हैव टू डिफेंड ओशन हेयर एक चीज़ को लेके कि गाइज जस्ट वॉट ही डज ऑन ब्लॉग्स हैज़ नथिंग टू डू विथ वॉट ही डज ऑन स्क्रीन तो आप लोग वो दोनों चीज़ को मिक्स मत करो ठीक है फर्स्ट थिंग बिकॉज हिज चैनल इज हिज साइड हिज पर्सनल असल जिसमें नो वन हैज़ टू नो वन शुड कंप्लेन ठीक एज फार एज द कास्टिंग थिंग मैं मुझे उस दिन लगा मैंने बोल दिया जो बात है ओपन बोल देता हूँ ठीक है अब उसके बाद अगर कोई बज रहा है बैकग्राउंड में तो बजने दो ठीक है बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करके चलते हैं हम लोग कि हम लोग प्लेयर्स पर ध्यान नहीं देते क्या ऐसी बात नहीं है आई थिंक पूरा ध्यान देते हैं प्लेयर्स का एक चीज़ था कि भाई उन लोग ट्रॉफी डेडिकेटेड है अब उन लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं अभी उन लोग आएंगे हम लोग BGMS का भी एक अच्छा वीडियो निकालेंगे BGIS भी आएगा बट नाउ देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांजिशन एंड आएगा सब कुछ आएगा हम लोग कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे डोंट जो भी चीज़ हम लोग पहले इसलिए अचीव कर हर प्लेयर बूट कैंप ही रहता था इन लोग बूट कैंप नहीं रहते इन लोग सिर्फ इधर उधर जाते हैं मतलब सिर्फ घर जाते हैं अपने इन लोग को बूट कैंप सिर्फ एकदम थोड़े दिन रहना होता है तो इट्स डिफिकल्ट एंड बैक टू बैक टू बैक टू बैक इवेंट्स 7 दिन का गैप BMPS में अब इन लोग 1 महीने BGMS भाई दिल्ली रुके हुए सबको घर जाने जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग स्टफ वी कैनॉट फोर्स देम भाई प्लेयर्स को उनका मेंटल स्पेस देना बहुत जरूरी है BMPS सोचो आप आ ही गया एंड आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आप समझिए टीम में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं ऐसे एक कहानी खत्म नहीं होती कि दूसरी कहानी अलग शुरू हो जाती है कहानी में हमें वो नहीं मिल रहा कंटिन्यूटी इंटरनेशनल अनाउंसमेंट अंडर प्रोसेस है यार थोड़ा सा पेपर वर्क में टाइम लग रहा है ये सब चीज़ में ना पेपर वर्क में टाइम लगता है चिक जो हम लोग कर रहे हैं हमारे पोकेमॉन के टीम से गाइस बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ कुछ लोग बोले कि हम लोग से नहीं था इसका मतलब नहीं था कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे उस प्रोसेस में पूरा जोर लगा रहे थे बट लास्ट 2 मंथ्स हैव बीन रियली डिफिकल्ट टू गेट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स और US वेरी डिफिकल्ट हम लोग जिनसे क्वालिफाई हुए उसके एक हफ्ते बाद से लगे हुए हैं ठीक है तो ये मत बोलो कि और इन्वॉल्व नहीं थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं थी हम लोग फिर भी इन्वॉल्व थे जब हम लोग को लगा कि कुछ क्या होने वाला है एनी न्यू एडिशन आफ्टर BGMS और सोमे इज परमानेंट वी आर कुकिंग कुछ कुछ होगा ओमेगा पर कुछ शब्द फाइटर आदमी है ओमेगा के लाइफ में पहला बार नहीं हुआ ही हैज हैड इनसेन अप्स एंड डाउन्स एंड विल फाइट बैक आई एम नॉट वरीड अबाउट हिम एज सच जो होता है अच्छे के लिए होता है पीपल हु लाइक ओमेगा हु लव हिम कंटिन्यू सपोर्टिंग हिम इट्स फाइन यार मतलब आप समझो ये स्पोर्ट्स में होता ही है टीम मूव ऑन कर जाती है प्लेयर मूव ऑन कर जाता है इट्स पार्ट ऑफ इट यार मैं मेजी भाई के लिए 2 लाइन थक भाई आई एम वेटिंग फॉर मेजी टू गेट बैक ऑन द कास्टिंग डेस्क हे BGMI गॉड्स प्लीज ब्रिंग मेजी बैक टू द कास्टिंग डेस्क मेजी जान है मेजी चीते मेरा जान है BGMS का जो लीग स्टेज का फॉर्मेट था ना गाइस टू बी ऑनेस्ट टीम्स हर कैसा खेल रही है और अभी मेरे को ये देखना है कि ऑफिशियल पे ऐसे माइंडसेट के साथ आप नहीं खेल सकते BGMS में जो बाउंटीज जो बोनस पॉइंट्स जो ये
पावर प्ले हो गया आपका और एक इम्पैक्ट प्लेयर, उससे ना काफ़ी फॉर्मेट पे फ़र्क पड़ा, उससे टीम मेंटालिटीज पे फ़र्क पड़ा। आप क्या ऑफिशियल फॉर्मेट में ऐसा देखोगे कि टीम्स इतना अर्ली फाइट लेके अर्ली पे मर गई, थर्ड सर्कल पे 30 ही बंदे बच रहे हो? ऑफिशियल में कम्प्लीटली अपोजिट होता है, तो ये ऑफिशियल जब आप इवेंट देखोगे ना, इस पर आप देखना कि आपको चीज़ें दिखेंगी कि लॉबी स्टार्टिंग में फ़ाइट लेके मर रही है, तो आप समझ रहे हो मेंटेलिटी, माइंड सेट, अनवांटेड फाइट, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल लॉबी थी। पहला मैच आपका, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, तो जोकर ऑफलाइन हो गया था वहाँ पे, तो मतलब काफ़ी अनफॉर्चुनेट था जोकर ऑफलाइन हुआ। उसके बाद हमको कैजुअलिटी आई, थ्री मैन हमने आपको पता है, फिर पुश किया, देन मोगो को हमारी थर्ड पार्टी आ गई थी जहाँ पे हम वाइप हो गए थे। तो फर्स्ट मैच में ऐसा लगा यार क्या हो गया भाई ये, तक भाई ने बोला कि समथिंग कुकी विंगा ड्यूटी माइक्रोसोल, अब बस बात है पेपर वर्क पर आ चुकी है। ओके ऐसा है कुछ, मुझे नहीं पता, अगर ठग भाई ने बोला है तो ऐसा कुछ होगा, एक बार पूछूंगा उनसे। नकुल हैज़ 40% फिनिश्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, डोंट यू थिंक इज़ टू मच प्रेशर फॉर अ सिंगल प्लेयर? ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। हाँ एक चीज़ ये भी है, जहाँ पे नकुल ने अच्छा खेला वहाँ पे हमने टूर्नामेंट निकाला भी है, सो यस BGMS भी हमने निकाला। सिंपल सी बात है, जहाँ पे देखो हर एक टीम पे एक ऐसा फेस होगा जो सिचुएशन को संभालेगा, ठीक है। आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पे अगर आपने परसेंटेज लिखा है तो बता देता हूँ, तो नकुल ने सिचुएशंस को संभाला। इस इवेंट में नकुल था, अगले इवेंट में मान्या हो सकता है, रॉनी हो सकता है, बट ये एक टीम गेम है, ये चीज़ याद रखना, ये एक टीम गेम है। मिलके सबने एक दूसरे को संभाला, सपोर्ट करा उस सिचुएशन पे, तो चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाई।